ये है आपका ऑड एंड इवन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार यूज होगा, बहुत तरीके से यूज होगा, तो आप जरा लिख लें। ठीक है भाई, ऑड और इवन फंक्शन डेफिनेशन आपके सामने लिख दी मैंने। तो क्या है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, अगर हम उसको इस तरह से, अगर एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दें, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाए तो ऐसा फंक्शन होगा इवन फंक्शन, और अगर एफ एक्स इज इक्वल में एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करने से आपके पास माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऐसे फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये कैसा फंक्शन होगा भाई? हमें क्या करना है, ये ढूंढने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा जल्दी से वाई लिख के भेज दो भाई मुझे, और आ गई तो फिर ये बता दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यस, आ गई ना, बिल्कुल सही बात है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये कैसा फंक्शन है भाई? एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि एफ एक्स आ गया, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया जी। अच्छा, तो अब जरा ये बता दो एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा? बोलो जी जल्दी, मैसेज। यस मैसेज, ऑड, बिल्कुल सही बात है, ऑड ऑड फंक्शन होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो कॉस एक्स क्या होगा फिर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्या होगा, ये इवन हो जाएगा है ना, इवन। यस बिल्कुल सही है जी, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जरा बताएं जरा मुझे। एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। अच्छा, ये प्लस वन हो रहा है भाई, इधर प्लस वन, माइनस कॉमन लेके देख लेते हैं, तो माइनस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, कुछ नहीं आया। तो नीदर इवन नॉर ऑड, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हर फंक्शन जो है आपका इवन भी हो और ऑड भी हो। कोई ऐसा भी हो सकता है जो ना तो इवन है और ना ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है कि हमारा फंक्शन ऑड है कि इवन है। चलिए जी, अच्छा ये बताइए जरा आप मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स, जरा ये करके देखिए, जरा बताइए मुझे इसके बारे में क्या कहेंगे आप। ठीक है, मैंने ये सॉल्व भी कर दिया है और आप लोगों के आंसर भी बिल्कुल सही है, ये ऑड फंक्शन है। तो अब आप ऐसे किसी भी फंक्शन को आप बता सकते हो कि ये ऑड है कि इवन है। चलिए जी, जरा ये लिख लें,
तो फंक्शन क्या होगा ऐसा, जरा सोच के बताएं मुझे। G1, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। ऑलराइट, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जरा सोचिए एक मिनट। ये सही है कि नहीं है स्टेटमेंट, ये बताओ जरा मुझे, है ना। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स किन फंक्शंस का निकलता है, याद है? बाइजेक्टिव फंक्शंस, यानी कि वो फंक्शन जिन जो वन वन और ऑन टू होते हैं, वो उनका इनवर्स आप निकाल सकते हैं। तो जो इवन फंक्शन है वो तो आपका वन वन होगा नहीं, है ना, होगा नहीं ना। तो आपका कोई इवन फंक्शन कैसा दिखेगा भाई? अगर एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन था तो क्या होगा, एक्स की दो वैल्यूज के लिए या दो वैल्यूज के लिए तो कम से कम वो होगा कि नहीं होगा, सेम होगा। यस, ये मैनी वन होता है, इन वन इवन फंक्शन। तो अगर ये मैनी वन है तो ये वन वन ऑन टू, ये वन वन नहीं हो सकता। और अगर ये वन वन नहीं हो सकता तो ये इनवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए एक और लिखिए पॉइंट। ठीक है जी, एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और एवरी ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। बहुत सिंपल है, आपके पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा होता है, दिख रहा है? अगर ये मिरर की तरह काम कर रहा हो तो इधर का और इधर का एक दोनों एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये इवन फंक्शन है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता था, कुछ ऐसा, ये यहाँ पे ओरिजिन होगा, ठीक। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ है तो ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यहां और यहां पे ये जो है इवन होगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये होंगे, वन एंड टू में इवन एंड वन एंड थ्री या टू और फोर, इधर भी हो सकता है ना, माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये ऐसा भी हो जाएगा, उधर भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ऑल्टरनेट, बेसिकली ऑल्टरनेट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ऑड वाला, समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। जरा सा सोचिए कैसे होगा, ठीक है ना, प्लस एफ एक्स और माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स बाई टू लिखा जा सकता है। सॉल्व करके क्या आने वाला है, एफ एक्स ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं भाई, मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स लिख दूं मैं,
आप अगर जी एक्स जो है ये हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, एक मिनट, अब जरा जी एक्स और ये है आपका एच एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। अब जरा जी ऑफ माइनस एक्स निकालना भाई, जी ऑफ माइनस एक्स निकाल लो और एच ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, जरा मुझे बता दो ये क्या आएंगे। ये आपके पास जी एक्स और एच एक्स मैंने डिफाइन कर दिए, जरा बताना क्या आएंगे भाई। जी ऑफ माइनस एक्स रखूं तो क्या दिखेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू, है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया और माइनस एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो एफ एक्स ही एक्स आ जाएगा। और ये क्या है, ये तो जी एक्स ही है, यानी कि जी एक्स क्या हो गया, इवन हो गया, इवन पार्ट। ऐसी अब एच एच एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई टू हो गया। माइनस कॉमन ले लूं तो क्या दिखेगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, यानी कि माइनस ऑफ एच एक्स हो गया, यानी कि ये ऑड पार्ट हो गया। तो और यहां से देख लो भैया, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो एफ एक्स ही आ जाएगा ना, एफ एक्स बाई टू से एफ एक्स मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू से, और माइनस ऑफ ये प्लस का साइन है बीच में ध्यान रखना, ये थोड़ा सा छोटा सा बन गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स ही लिखा हुआ एक्चुअली, बस उसको दो पार्ट कर दिए हमने। और ये आपको दिख गया कि एक पार्ट इवन है और एक पार्ट ऑड है, ये मैंने आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है, ये बात खोपड़ी में बिठा के रख लेना, ठीक है भाई। तो मान लीजिए मैं आपको दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसको कैसे लिख दोगे तुम फटाफट इवन और ऑड में, किसकी वैल्यू, एक मिनट भाई एक मिनट, ऐसा फंक्शन जो इवन भी है और ऑड भी है वो बेचारा कौन सा होता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये इवन भी है, इवन एंड ऑड बोथ, ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। जरा सोच के देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जीरो ही है। एफ एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो तो ये फंक्शन जो है ऑड भी है और इवन भी है, ठीक है ना, यानी कि वाई इक्वल टू जीरो अगर फंक्शन है आपके पास तो इसको हम इवन भी कहेंगे और ऑड भी कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन हो तो मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू सी सम कांस्टेंट है तो ये कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हो तुम लोग, बस जीरो ना हो तो, जीरो नहीं होना चाहिए वो, तो क्या होगा ये हमेशा इवन होगा भाई, कुछ भी रख लो ये तो स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ये भगवान, ये y इज इक्वल टू फोर है मान लीजिए, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू फोर, तो ये क्या है माइनस में भी ये तो हमेशा ही फोर ही रहने वाली है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर फोर है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो भी फोर ही रहेगा, यानी कि एफ एक्स ही रहेगा, यानी कि इवन होगा। तो कोई भी कांस्टेंट हो बस एक जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो वाला फंक्शन क्या आएगा, इवन हो जाएगा। आई समझ में भाई, जल्दी बता दो सिग्नल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, और ऐसा है ना, ये कहाँ पे है, ये अबाउट ओरिजिन है ना, तो कैसा होगा अब समझ ही जाओगे तुम, ठीक है भाई। एफ एंड जी अगर दोनों इवन हैं या दोनों ऑड हैं तो एफ ओ जी विल बी इवन, और इनमें से अगर कोई भी एक अलग अलग हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऑड होगा। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो,
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर हो तो ये दोनों इवन है, बोथ आर इवन, तो एफ ऑफ एफ ओ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स कितना आएगा जरा बता दो भैया कितना आ जाएगा, अच्छा एफ ओ जी नहीं लेना चाहिए हमें एक्चुअली में, यहां भी बन तो ये भी जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें मिला एफ को खाने के लिए एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स की पावर एट हो गया, ये एक्स की पावर एट ये तो इवन आ गया, पर एक्चुअली में यहां पे हमें लेना ये चाहिए एफ इंटू जी लेना चाहिए, नॉट एफ ओ जी, ये यहां पे गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना, कहीं केसेस में होगा और कहीं नहीं होगा, तो एफ ओ जी ना लेके एफ इंटू जी कर लीजिए आप इसको भाई, ठीक है, एफ इंटू जी विल बी ऑड, क्योंकि देखो एफ इंटू जी क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर फोर, तो ये क्या बन गया एक्स की पावर सिक्स, तो ये भी इवन ही है वहां, लेकिन अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और ये है ऑड, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक ऑड आ गया था इसलिए एफ इंटू जी विल बी ऑड, वही है माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, सॉरी ऑड हो जाता है, तो इसीलिए आप समझ लें कि ये हमेशा ऑड आ जाएगा, ठीक है जी, y इज इक्वल टू ये दे रखा है तो बताना है इवन है कि ऑड है, ट्राई करना जरा,